अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो सफ़ायर की सेल आप सबको पता है कि ख़त्म हो गई है, लेकिन ये कुछ ड्रेसेस थे जो मैंने अपनी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर्स के लिए मंगवाए हैं। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पीसेस थे मेरे पास तो मैंने सोचा वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये वाला ड्रेस आपको पता है, मैं तो भाई जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं तो फुल प्राइस पे ले आती हूँ, लेकिन मैंने सेल प्राइस पे आप लोगों के लिए ऑर्डर किए थे। दो ऑर्डर किए थे, एक सेल हो गया, एक लास्ट पीस बचा है। जिस किसी ने भी ऑर्डर करना है आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर लें। बहुत प्यारा ड्रेस है और इस पर है भी 35% ऑफ। ठीक है, और दुपट्टा बड़ा प्यारा था शिफॉन का, एम्ब्रॉयडर्ड चिकनकारी वाली एम्ब्रॉयड्री थी इसके साथ, एम्ब्रॉयड्री का पैच फॉर नेकलाइन एंड फॉर दामन। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और साथ बहुत प्यारा इसका शिफॉन का दुपट्टा है। मेरा तो हेयर स्टिच भी हो गया है, स्टिच होकर मैंने कितनी दफ़ा पहन भी लिया, लेकिन पहन के बहुत प्यारा लगता है। और मैं जहाँ भी पहन के गई हूँ ना, यकीन मैंने सब ने इसकी बहुत तारीफ़ की है। खैर, मैंने तो ऐसा स्टिच नहीं करवाया, ये छोटी शर्ट जैसा मैंने लॉन्ग लेंथ स्टिच कराई साथ ट्राउज़र, लेकिन बहुत एलिगेंट सूट था। बाकी ये इसका एम्ब्रॉयडर्ड पैच है फॉर दामन। ठीक है, आप चाहें तो इसको स्लीव्स पर भी अटैच करवा सकते हैं जैसे मॉडल पिक्चर में हुआ हुआ है, लेकिन मैंने दामन पर ही अटैच करवाया था। मैं इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन ये है कि अब तो मैंने हर बहुत दफ़ा पहन लिया, लेकिन कोशिश करूँगी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर कर दूँगी। बाकी ये जो साइड वाला प्रिंटेड बॉर्डर था ये मैंने स्किप करवाया था, ये मैंने नहीं लगवाया था। ट्राउज़र इसका एग्जैक्ट सेम है, और ट्राउज़र के नीचे जो प्रिंटेड बॉर्डर आएगा ना वो बहुत प्यारा लगेगा, वो ऐसे लगता है कि जैसे ये सारी ही एम्ब्रॉयड्री हुई हुई है। बाकी डिटेल्स आप लोगों को इसकी दिखा देती हूँ। इसकी प्राइस थी 6000 फुल प्राइस। ठीक है, और मैंने तो हर 6000 पे ही लिया था, लेकिन अब इस पर 35% ऑफ है आफ्टर सेल। ठीक है, क्योंकि ये वॉल्यूम 1 की कलेक्शन थी और वॉल्यूम 1 की ज़्यादातर कलेक्शन पे 35 ही ऑफ था। बाकी ये इसका बहुत ही प्यारा क्रिंकल शिफॉन का दुपट्टा था, बहुत लाइट वेट। ठीक है, और मतलब प्रिंट बहुत प्यारा था। कंप्लीट ओपन करती हूँ ताकि आप लोगों को ना पसंद करने में आसानी हो। ठीक है, लेकिन ये है कि जिस किसी ने भी लेना है प्लीज़ जल्दी कांटेक्ट कर लिया करें। इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल के ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लिया करें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूँ ना झट से आप लोगों को नोटिफिकेशन आए और आप इस तरह का कोई अच्छा सूट मिस ना करें, क्योंकि ये सूट सारे है बहुत प्यारे और सारे हिट कोड्स हैं। ठीक है, बाकी जो है एक ही सूट है, तो अगर आप मुझे ना ड्रेसेस की क्वांटिटी कम होती है मेरे पास, तो मैं जैसे ही मतलब वीडियो अपलोड करती हूँ कोई ना कोई मैसेज करके खरीद लेता है, लेकिन फिर बाद में इतने सारे मैसेजेस आते हैं, फिर सब लोग कहते हैं कि अभी तो आपने वीडियो बनाई थी, ऐसा कैसे हो सकता है अभी सेल हो जाए। तो सेल हो जाते हैं, बहुत जल्दी सेल हो जाते हैं। अच्छा, ओरिजिनल प्राइस थी 5990 एंड आफ्टर डिस्काउंट ना तकरीबन ये आपको 4000 तक का पड़ जाएगा, क्योंकि इस पर 35 ऑफ है। बाकी नेकलाइन पे इसकी एम्ब्रॉयड्री थी, इसके अलावा दामन के लिए एम्ब्रॉयड्री का ये बड़ा प्यारा पैच था, और ये सारा एप्लिक होके लगेगा तो ऐसे लगेगा ऊपर ही एम्ब्रॉयड्री लगेगा नहीं कि सेपरेट से पैच लगा हुआ है। ठीक है, ये सारी चिकनकारी टाइप इफेक्ट था इस सूट में जो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है चिकनकारी का कितना ट्रेंड है, लेकिन जो रियल चिकनकारी होती है ना मोटी वाली वो तो पहनी भी नहीं जाती, लेकिन इस तरह की जो प्रिंटेड होती है और थोड़ा बहुत एम्ब्रॉयड्री हो वो अच्छी लगती है और पहनी भी जाती है। नेक्स्ट एक ये ड्रेस है। ठीक है, ये भी इनकी इंटरमिक्स कलेक्शन का है। ये जो सात पिस्ता पड़ा हुआ है ना ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये वीडियो पहले की रिकॉर्ड हुई भी है, अब मैंने दोबारा हर सूट की वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, जिनकी पहले की बनी हुई थी मैंने उन्हीं को एडिट कर दिया, लेकिन ये सूट अवेलेबल नहीं है। अब आप लोगों ने मुझे इसको हाईलाइट करके पिक्चर नहीं भेजनी, सिर्फ जो खोल के दिखा रही हूँ ये वाला अवेलेबल है। ठीक है, ये भी बहुत प्यारा था और उसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत नाइस था। ठीक है, ये देखें, ये इसकी शर्ट है। ठीक है, सेम प्रिंट का साथ इसका ट्राउज़र है और इसके साथ ना बहुत प्यारा लॉन का एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है। ठीक है, कंप्लीट शर्ट ओपन कर देती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। वैसे ये सारे सूट मैंने ना आपको बहुत पहले भी दिखाए हुए हैं, मैंने तब फुल प्राइस पे लिए थे इंटरमिक्स कलेक्शन में से, लेकिन अब ये मैंने आप सबके लिए 35% ऑफ पे ख़रीदे हैं। ठीक है, और सब ऑनलाइन ख़रीदे हैं, तो जिसने भी कॉन्टैक्ट करना है जल्दी से कर ले। बाकी ऑनलाइन तो सेल ख़त्म हो गई है, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आउटलेट पे कब लगेगी, तो आउटलेट पे अब तो बहुत प्यारी नई कलेक्शन आ गई है, तो अब भी तो चांसेस नहीं है। नई कलेक्शन आ तो गई है लेकिन एक्सपेंसिव ज़रूर है। बाकी ये है कि जो न्यू कलेक्शन की तकरीबन एक महीने तक लगती है, उसके बाद सेल न्यू कलेक्शन पर नहीं लगेगी, लगेगी इसी कलेक्शन पर, लेकिन मोस्ट प्रॉबेबली एंड ऑफ जुलाई सेल पॉसिबल है। ठीक है, इससे पहले नहीं। ठीक है, ये सूट था, इसके ऊपर बहुत प्यारे फूल थे, ऐसे लग रहे थे जैसे मोतिये के फूल होते हैं, और इसके साथ जो दुपट्टे का कलर कॉम्बिनेशन था ना वो बड़ा ज़बरदस्त था। दुपट्टा खोलती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ।
अच्छा, इस तरह के जो मैचिंग सेपरेट्स होते हैं ना, यानी सेम प्रिंट वाले, वो बहुत प्यारे लगते हैं। और गर्मियाँ हैं तो क्योंकि ड्रेसेस पे इतनी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी बर्दाश्त नहीं होती कि बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हो तो वो चुभती है, तो इसलिए कुछ ऐसे ड्रेसेस पे आए थे कि जिनके दुपट्टों पे एम्ब्रॉयडरी थी। दुपट्टा भी बहुत हल्का फुल्का सा, लाइट वेट सा है, तो ये ड्रेस मतलब परफेक्ट है उन लोगों के लिए कि जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड ड्रेसेस प्रेफर नहीं करते। बाकी दुपट्टा ओपन करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। दुपट्टे के ऊपर सारी इस तरह की छोटी छोटी सी बड़ी प्यारी सी नफीस सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। और ये भी मेरे पास एक ही सूट है, ये ऑर्डर ही एक हुआ था, ठीक है। मैंने कोशिश की थी मैं ज़्यादा ऑर्डर कर लूँ, लेकिन ऑर्डर ही एक हुआ था बिकॉज बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो गया। तो फिर इस वजह से ये है कि ये भी एक ही पीस है। जिसने भी कॉन्टेक्ट करना है, स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये इसकी एम्ब्रॉयडरी आप लोग चेक करें कितनी प्यारी है, बहुत प्यारा दुपट्टा था। कलर ये वाला मेरा फेवरेट है, ठीक है। और कलर कॉम्बिनेशन अब आप लोग इस सूट का चेक करें, बहुत प्यारा है। इसके ऊपर बारीक सी वाइट सी कलर की लेस लगवाएं, ठीक है, थोड़े पर्पल से कलर के बटन्स लगवाएं, बहुत प्यारा आपका सूट का ओवरऑल लुक बनेगा, ठीक है। ये दो सूट हैं। अच्छा, इस वीडियो में जितने भी ड्रेसेस आपके साथ मैं तीन शेयर करूँगी, तीनों का आखिरी पीस पड़ा है, ठीक है, तो जल्दी कॉन्टेक्ट करें। मैंने शायद ये तीसरी दफ़ा इस वीडियो में बोल दिया है, क्योंकि ये है कि फिर बहुत लोग मुझसे गिले करते हैं कि आपने ये सेल कर दिया, ये हमने ख़रीदना था, हमें बहुत पसंद आया। लेकिन मेरी प्यारी प्यारी बहनों, ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी मैंने इस दफ़ा मतलब अपनी क्लाइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है। जितनी मैं कर सकती थी मैंने उतनी की है, ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा की कैपेसिटी मुझ में नहीं थी, ठीक है। बाकी ये पर्पल सूट है, ये मैंने ज़्यादा मंगवाए थे, ये मैंने 10 मंगवाए थे, 9 सेल हो चुके हैं, सिर्फ आखिरी पीस है, ठीक है। और जिसने भी ख़रीदना है जल्दी से ख़रीद लें, क्योंकि ये ना स्टिच होके बहुत प्यारा लगा था। मैंने इसकी ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो भी शेयर की हुई, आप लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। दुपट्टा इसका बहुत ही प्यारा था, साथ क्रिंकल शिफॉन का, कलर बहुत नाइस है, ठीक है। और फैब्रिक इसका बहुत अच्छा है, फैब्रिक इसका कैम्ब्रिक है, लेकिन इसमें गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती और ये बहुत ग्रेसफुल फैब्रिक लगता है। मतलब ये है कि लॉन ज़्यादा बारीक होती है, ये इतना बारीक नहीं होता, लेकिन जो बारीक कपड़ा होता है ना, वो पहने हुए इतना ग्रेसफुल कभी भी नहीं लगता। जो थोड़ा खड़ा खड़ा कपड़ा होता है ना, पहने हुए हमेशा वही प्यारा लगता है, ठीक है। बाकी मैं इसके स्लीव्स आप लोगों को, स्लीव्स भी इसके एम्ब्रॉयडर्ड थे, नेकलाइन के लिए एम्ब्रॉयडरी की पट्टी थी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने बहुत प्यारे, जो मैंने ड्रेस डिज़ाइनिंग वीडियो शेयर की थी ना, बीड्स जैसे बटन्स लगा के लगाए थे स्टोन्स वाले, और उसने इस ड्रेस को चार चांद लगा दिए थे, ठीक है। बाकी ये जो है, इसके साथ भी शिफॉन का दुपट्टा है। आई एम ऑल अबाउट या शिफॉन के दुपट्टे या लॉन के दुपट्टे। सिल्क दुपट्टे भी आजकल अच्छे आ रहे हैं सफ़ायर के, ठीक है, लेकिन यह है कि थोड़े बहुत स्लिपरी हो जाते हैं वो, लेकिन लॉन एंड शिफॉन आर द बेस्ट, ठीक है। और इस शिफॉन के दुपट्टों पे अगर आप बारीक बारीक सी लेस लगवाएं, नीचे कपड़ा लगवाएं, तो वो दुपट्टा आपका बड़ा प्यारा, बड़ा ग्रेसफुल बन जाता है, ठीक है, लिए हुए बड़ा हसीन लगता है। अगर दुपट्टे के नीचे जब आप लेस लगवाते हैं, उसके नीचे कपड़ा नहीं लगवाएंगे ना, तो आपका दुपट्टा बहुत इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन ये इकट्ठा नहीं होता। बाकी ये इंटरमिक्स का सूट था और इस पर भी 35 ऑफ था। मैंने ज़्यादा यही फोकस किया कि या मैं 50 वाले ऑर्डर कर सकूँ या 35 वाले। 50 वाले हुए हैं, लेकिन बहुत कम ऑर्डर हुए हैं, ज़्यादा 35% ऑफ वाले ही ड्रेसेस ऑर्डर हुए थे। 50 वाले जो मैंने ऑर्डर किए थे, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। आपको जब जैसे ही मुझे रिसीव होंगे तब इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी, ठीक है। और ये देखें इसका दुपट्टा, भाई सारे पैसे इसके दुपट्टे के हैं, मतलब इतना हसीन, इतना नफीस दुपट्टा है इसका, बहुत प्यारा था। बाकी प्राइस की अगर बात कर लें, तो इसकी प्राइस थी 65.90 ओरिजिनल प्राइस, एंड आफ्टर 35% डिस्काउंट ये आपको ना तकरीबन 43.50 तक का मिल जाएगा। और जो है ना, फैब्रिक बहुत अच्छा है इसके दुपट्टे का। बाकी ये सब तो वो ड्रेसेस थे ना कि जो मैं ऑलरेडी अपने लिए तो ख़रीद चुकी थी, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए ख़रीदे हैं। बाकी कुछ और भी ड्रेसेस हैं जो मैंने ईद कलेक्शन से बहुत प्यारे प्यारे ख़रीदे हैं, ठीक है, जो मैंने अपने लिए भी ख़रीदे हैं, अपनी क्लाइंट्स के लिए भी ख़रीदे हैं। वो भी इंशाल्लाह जब आएंगे ना, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं वो सारे भी, ठीक है, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। बाकी स्टिच कलेक्शन बहुत लोग पूछ रहे थे, इस तरह मैंने स्टिच इतनी कोई खास नहीं मंगवाई, मैंने सिर्फ 2 सूट अपने लिए मंगवाए थे, क्योंकि मुझे स्टिच पर इतनी सेल पसंद नहीं आई, और स्टिच कलेक्शन वैसे भी मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, अनस्टिच ज़्यादा अच्छे लगे थे, इसलिए अनस्टिच की ही ज़्यादा शॉपिंग की है। बाकी डिस्प्ले में लगा हुआ ये सूट कुछ इस तरीके का लगता है, और प्यारा सूट है, मतलब
मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आप लोगों से भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।